हेलो दोस्तों, आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और अमीर होना हर किसी की चाहत है, लेकिन जब हम असली अमीरी की बात करते हैं तो एक ऐसे शख्स का नाम सामने उभर कर आता है जिसके बिना अमीरी शब्द ही अधूरा है। वो है हमारे मोटा भाई उर्फ मुकेश अंबानी। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम सुनते ही दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है पैसा। 2009 में लक्ष्मी मित्तल को फोर्ब्स की लिस्ट से पछाड़ने के बाद 12 साल तक भारत के सबसे अमीर शख्स के रूप में नंबर वन पायदान पर रहे हैं। बहुत साधारण से व्यक्तित्व वाले मुकेश अंबानी ने जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी होने का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो भी मुकेश अंबानी दुनिया को टॉप 10 अमीर लोगों में शुमार हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे रिलायंस कंपनी सफलता के ऊंचाइयों को छू रही है, वैसे ही मुकेश अंबानी भी अपनी अमीरी को सातवें आसमान पर पहुँचाते जा रहे हैं। उनकी रहीसी का अंदाजा उनके घर एंटीलिया से लगाया जा सकता है। एंटीलिया एक 27 मंजिली इमारत है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। फोर्ब्स ने टॉप 20 आलीशान घरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी के घर को भी स्थान दिया है। अगर एंटीलिया को बनाने की लागत की बात की जाए तो इसे बनाने में टोटल 15,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के पास कई लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन हैं और 3 प्राइवेट जेट भी हैं जिससे वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप सबकी जहन में कई सवाल उठते होंगे, आखिर मुकेश अंबानी इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं? आखिर मुकेश अंबानी की कमाई का जरिया क्या है और वो एक दिन में कितना कमाते होंगे? आज इस वीडियो में इन सवालों के जवाब को हम जानेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ होता है, उसी प्रकार मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे भी उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी जी का हाथ रहा है। धीरू भाई अंबानी ने अपने मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। मुकेश अंबानी की बात की जाए तो मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस इंडस्ट्री की बागडोर संभाली और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बिजनेस को साथ में आसमान पर पहुंचाते जा रहे हैं और अपने बिजनेस के हर क्षेत्र में ग्रो करते जा रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो या पेट्रोलियम सेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्री है और रिलायंस का नाम लेते ही जहन में एक ऐसी कंपनी की तस्वीर उभरती है जो पेट्रोलियम का कारोबार हो या टेलीकॉम सेक्टर हो या गैस सेक्टर, सब में अव्वल स्थान के साथ साथ लगातार आगे बढ़ते जा रही है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि भारत में लगभग हर इंसान किसी न किसी प्रकार से रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप जियो सावन पर गाने सुन रहे हो या वूट सेलेक्ट पर शार्क टैंक देख रहे हो, रिलायंस फ्रेश से ग्रोसरी खरीद रहे हो या जियो 4G डाटा का यूज कर रहे हो, आप रिलायंस से जुड़े हुए हैं। ये तो बस मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आने वाली कंपनियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आइए अब जानते हैं कि मुकेश अंबानी के नेटवर्थ कितनी है और वो एक दिन में कितना कमाते हैं। अगर अफगानिस्तान, बोस्वाना और बोस्निया, इन तीनों देशों की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो भी मुकेश अंबानी के मुकाबले इनकी संपत्ति कुछ भी नहीं है। फोर्ब्स के अनुसार 2022 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $90.7 बिलियन है। अपने नेटवर्थ की वजह से वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव ब्लेमर और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को ही नहीं बल्कि कई दिग्गजों को पछाड़ कर फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार मुकेश अंबानी एक दिन में कितना कमाते हैं। अगर मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई को देखा जाए तो मुकेश अंबानी एक दिन के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। अगर हम एक घंटे की बात करें तो मुकेश अंबानी की इनकम एक घंटे के अंदर 12 करोड़ रुपए होती है। दोस्तों, एक टाइम था जब भारत के कई उद्योगपति पश्चिमी देशों के उद्योगपति से बहुत पीछे थे, लेकिन आज इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के उद्योगपति
फोर्ब्स के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नंबर वन स्थान पर होंगे। दोस्तों, ऐसे और अद्भुत जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें।